डिटेल में बताऊंगी हमारे साथ क्या क्या हरकत हुई है। ये होते हैं बेस्ट हस्बैंड जो इतना केयर करते हैं अपने। ये देखो कराटे देखो तुम एक बार। एंड हमारी फ्लाइट हो गई मिस और अब मेरे को ना बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, मतलब मेरे बिल्कुल ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे क्योंकि वन पीस डाला और इतनी ज़्यादा कूलिंग है ना, मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त वाली। और मैंने पहले ही डिसाइड किया था कि मैं पहनूंगी, बट मैंने सोचा यार कि वो थोड़ा जो कंफर्टेबल नहीं था, मुझे लगा कि नहीं कम्फर्टेबल वाले पहनती हूँ दुखी नहीं होंगी कंफर्टेबल के चक्कर में। अच्छा ये वो गिरा दिया मैंने जो अमित जी बना के लाए थे, जो सैंडविच जैसे वो खा लिया हमने। और मेरे को इतनी सर्दी लग रही थी, मैंने एक बार बोला अमित जी को कि ये कुछ ले आओ यार मेरे को तो बुखार हो जाएगा। और ये भी ख़रीद के लेके आए हैं शॉल, तो शायद मैं बच जाऊंगी, बुखार नहीं होएगा। थैंक यू। ये होते हैं बेस्ट हस्बैंड जो इतना केयर करते हैं अपनी बीवी की। थैंक यू। आपको ठंडी नहीं लग रही? देखो इनका सोने का तरीका, कैसे उल्लू बन के सोने लग रहे हैं। कम्बल ला दें आपको एक, हैं? रजाई का प्रबंध करवा दें एक, मतलब पिड्डे पे भी आ सकते हो आप तो, जो अपने हरियाणा में चलता है छोटा सा, हैं? बहुत नहीं बता रहे यार। गाइड्स क्या करें गाइड्स? थोड़ी थोड़ी देर में सो रहे हैं। अभी हमें लग गई है भूख रात को, तो अभी हम जाएंगे मैगी खाने। ये मैगी का स्टॉल है और यहाँ पे हम खाएंगे अभी मैगी। ये मैडम गायब हैं अभी यहाँ से। ये हैं एयरपोर्ट के कमाल मैगी आटा नूडल, 180 रुपए में मैगी मिलती है यहाँ पे। देखो कराटे देखो तुम एक बार। हेलो कराटे मास्टर, कराटे मास्टर, टाइम हो गया, चलो टाइम हो गया। ये देखो भाई 180 रुपए की मैगी देखो तुम, ये देखो ये इतनी सी मैगी। ये क्या हुआ हमारे साथ, अभी आपको डिटेल में बताऊंगी हमारे साथ क्या क्या हरकत हुई है। गाइस एक बैड न्यूज़ है कि हमारी फ्लाइट मिस हो गई। और वो मिस कैसे हुई कि मैं तो सो ही रही थी, अमित जी की भी आंख लग गई क्योंकि हमारी नेक्स्ट फ्लाइट थी सुबह 5 बजे की। और ये मतलब पूरी रात तो जगे, बट आई थिंक 4 बजे के करीब ही इनकी भी आंख लग गई। वो होता ना कि एक टाइम नींद आती है, मैं तो सो ही रही थी एंड हमारी फ़्लाइट हो गई मिस। और अभी जो है अगली फ्लाइट 11 बजे की है, इसलिए हम दोबारा से यहाँ काउंटर पे आए हैं। मतलब दुनिया की सारी प्रॉब्लम ना हमारे सामने ही आ जाती है, हमारे सामने नहीं आएगी तो किसके सामने आएगी, है ना? कितनी कितना स्ट्रगल है यार सीरियसली, अलग ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। और मेरे दिमाग में नहीं रहा, मैं अलार्म लगा लेती, अलार्म भी नहीं लगाया। और वो जो चेयर थी ना वो इतनी रिलैक्सिंग थी, ऊपर से अमित जी ने ये ला के दे दिया, बट फिर भी यार हमारा 7 घंटा स्पॉयल हो गया। हम 7 घंटे पहले पहुँच, मतलब हम सुबह 7 बजे वहाँ पे पहुँच जाते एग्जैक्ट टाइम पे। ये देखो गाइस ये तो दिल्ली वाली थी हमारी 7 बजे की, ठीक है 7:10 की चेन्नई से, और अभी उसके बाद थी हमारी 5 बजे जो कि हमारी मतलब पैसे भी लगे, कैंसिल भी हुई और टाइम वेस्ट भी, मतलब सब कुछ ही। अभी हमारी हुई है 11 बजे की, यानी कि हमें 7 घंटे, और अभी सुबह की 5 बजे है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बजे की, यानी कि 6 घंटे हमें जो है अगेन वेट करना पड़ेगा। 12 घंटे हो जाएंगे, 12 के भी 13 घंटे। 10 बजे हम लोग यहाँ उतर गए थे क्योंकि ये देखो इसका रीचिंग टाइम कितना था,
ये है ना 10 बजे हम लोग यहाँ आ गए थे। मतलब इतनी बार गए हैं, अमित जी भी पहले गए हुए इतनी बार फ्लाइट में और मैं भी, बट जब हमारा पहली बार हम दोनों का साथ में एक्सपीरियंस हुआ फ्लाइट में बैठने का, तो इतना गंदा हुआ हमारे साथ कि मतलब मैं भी कितनी बार बैठी हूँ यार, बट कभी हमारी फ़्लाइट मिस नहीं हुई। मतलब मेरी, मैं और मेरा भाई दोनों साथ भी जाते थे, मैंने अकेले भी ट्रैवल किया है, कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई। अमित जी भी कह रहे कि बोले आज तक यार ऐसा हुआ नहीं, बट पता है क्या, कोई वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर हम अलार्म लगा के रख जाते ना तो यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती नहीं। अब वेट करते करते इतना टाइम हो गया, 6 घंटे और, अभी अमित जी गए उस मैम के साथ, शायद वो लेके आएंगे। क्या ही बोलूं, चलो क्या कर सकते हैं, अब तो हो गई मिस। काउंटर वाली मैडम को बोला हम लोग, मतलब हमारी 5-5 की थी ना, तो हमने बोला कि मतलब हम 4:55 पे आँख खुली, काउंटर पर गए, बोली वो क्लोज कर दिया, बोर्डिंग ही क्लोज कर दिया, अब नहीं हो सकता कुछ भी। उस टाइम ही मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ हो जाए, बट जो भी जाने वाले हैं सजेस्ट करूँगी भाई, जो अगर मेरी तरह नींद का दुखिया है तो सो जाओ, नो इशू, बट अपना टाइम से अलार्म लगा के रखो ताकि फ़्लाइट मिस ना हो। पैसा वेस्ट प्लस टाइम वेस्ट, दोनों चीज़ें वेस्ट हैं। दोबारा से कराना, फिर वेट करना, वो काफ़ी हैक्टिक हो जाता है। और मैं सोई इसीलिए थी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा हैक्टिक हो रहा था, और मुझे लगा कि वहाँ जाके, मतलब वहाँ जाके भी क्या करना है, मतलब वहाँ जा अभी नहीं सोएंगे तो वहाँ जाके फिर कुछ इतना इंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो मैंने कहा अभी सो लेती हूँ ताकि वहाँ जाके थोड़ा रिलैक्सिंग रहे, थोड़ा अच्छे से हम लोग एक्सप्लोर कर पाए चीज़ों को। वो एक्सप्लोर यहीं पर होगा। चलो अभी दोबारा से जो है हम लोग सिक्योरिटी करेंगे क्लियर, कर लिया है सिक्योरिटी और क्लियर। अभी वॉशरूम वगैरह हो जाते हैं, थोड़ा सुबह सुबह लग तो गया पैसों वाला थप्पड़, हंसी भी आ रही है, कह रहे तो जैसी आ रही है, अरे मैं क्या करूँ। यार सच में बहुत बुरा हुआ सुबह सुबह। अभी हो गया 6:20, सोचो 11 o'clock हमारी फ्लाइट है। अभी जी बोल के आए हैं जूस पियेंगे, मम्मी का कॉल आया, मम्मी ने पूछा कहाँ पहुँच गए, मैंने बोला मम्मी फ़्लाइट डिले है, मतलब ये नहीं बताया कि हमने मिस कर दी, सॉरी मम्मी। अब तो आप मेरा व्लॉग देखोगे आपको पता चल जाएगा, चलता है अभी वो, यार चिंता करते, उनको बताते ना मैं कॉल करके, वो फालतू में टेंशन ले जाती कि कैंसिल हो गई, थम जगे क्यों नहीं, ये वो चार बातें सुनाती, तो ठीक है बाद में पता चलेगी। तो हंस के दिखा दो एक बार, इनको लगेगा कि अमित जी ने डांट मारी होगी इन पर, ऐसा नहीं है, हम दोनों एक जैसे हैं। ये सुबह सुबह न्यूज़ पढ़ रहे हैं, और सर्दी आपको पता ही है, शॉल खरीदना पड़ा, मैंने रखा नहीं, फिर अभी उड़ गई रखा हुआ है। सुबह के बज गए हैं 7:30, तो अमित जी ले आए हैं सैंडविच, और ये है हमारा बनाना शेक नहीं, मैंगो शेक है ना, मैंगो शेक, बट ये अलग बनाना ही रहा है ना, मैंगो शेक है बट ये। कैसा टेस्ट है? अच्छा खा लेते हैं, फ्लाइट में तो फिर वैसा ही मिलेगा। अब हम सो नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, अब हम पूरे 11 बजे तक यही बैठेंगे, कोई कंफर्टेबल सीट पे नहीं जाएंगे। ये वाले सैंडविच है, कितनी यम्मी लग रही है ना, क्रंची सी, फुल टेस्ट आ रहा है। फ्लेवर तो मैंगो का ही है बिल्कुल, वाइट क्यों बना हुआ इतना, अभी वो वाले मैंगो आए नहीं। मैंने अमित जी को बार बार चिढ़ा रही हूँ, मैंने कहा आपको कंफर्टेबल सीट पे जाके नहीं सोना है, जाओ ना कंफर्टेबल सीट पे जाके सो जाओ ना। अब ये जो टाइट वाली सीट है ना, ये वाली हम लोग इसी पे बैठे हुए हैं, और इतना मतलब बैठे बैठे सो सकते हो, ये कितनी टाइट है, बट जा नहीं रहे, पता चले वहाँ जाके हमें फिर से नींद आ जाए और दूसरी फ्लाइट भी मिस कर दे। तो लेटेस्ट न्यूज़ ये है, अमित जी की जो तशरीफ़ है
वो पूरी पत्थर हो चुकी है, तो उसको तोड़ थोड़ा मार मार के तोड़ा जाएगा। आज इतना बोर हुए ना, मतलब सोचो हमने 12 घंटे एयरपोर्ट पे बिताए हैं। अगर ऐसा होता तो हम पहले ही होटल लेके अपना आराम से स्टे करते कहीं, पर ये थोड़ी पता था कि ऐसी अनहोनी हो जाएगी हमारे साथ। बहुत बड़ी अनहोनी हुई है भैया, किसी के साथ ना हुई और सिर्फ इनकी वजह से हुई है। अगर इनके भरोसे नहीं रहते ना, मैं अपना अलार्म भरती, मैं टाइम से उठती। मुझे लगा ये है फुल कॉन्फिडेंस से, और हंस भी रहे हैं, मतलब कोई गम 1% भी यूँ होता ना, जैसे मैंने देखा मोस्टली ऐसा कुछ हो जाए तो लड़का थोड़ा अग्रेशन में आ जाता, यार ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। फुल चिल हो गया तो हो गया, क्या है, टाइम वेस्ट हो गया इतना ज़्यादा। फाइनली हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हो गया है। ग्रेट सक्सेस, मतलब कि मेरा ध्यान वीडियो में था, मैं क्या करूँ, मतलब मेरे को जाना कहीं और था, मैं जा कहीं और गई, तो ऐसे बोल रहे हैं इधर इधर इधर, नॉट माई फॉल्ट। वैसे डर भी लग रहा नीचे ना, वैसे पहुंच रहे हैं फ्लाइट में। ये तो फिल्ले हो रहे हैं, ये जो कुछ चिप्पी लेके आए थे हम लोग खाने के लिए। बी रेडी विद योर ऑर्डर विल हेल्प अस सर्व यू फास्टर एंड वी अप्रिशिएट योर सर्विस। क्रंची क्रंची है पूरा, बहुत टेस्टी लग रहा है। फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। वाओ, एक मिनट बाहर का सीन, ओए कितना प्यारा लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है, खूबसूरत। क्योंकि ये डिफेंस के लिए है ये वाला एयरपोर्ट, तो इन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप लोग मतलब फोटोग्राफ नहीं ले सकते और हम कानूनों के विरुद्ध नहीं जा सकते। तो डायरेक्टली अब मैं नीचे जाके मतलब सीधा आपको टैक्सी में मिलूँगी या फिर होटल पहुँच के। बहुत ही ज़्यादा वाहियात वाले थक चुके हैं। हमने अपने लगेज वगैरह ले लिया, सब कुछ ले लिया, और मेरी तो सेकंड डोज कंप्लीट थी, अमित जी की सेकंड क्लोज मतलब डोज कंप्लीट नहीं थी वैक्सीन की। तो अभी आई थिंक इनका कोई सेंटर है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं, वो ब्लड टेस्ट लेंगे, तो ब्लड सैंपल मतलब, तो और उसके बाद हम जाएंगे सीधा होटल। हमारी टैक्सी भी आ चुकी है। ये सेंटर है इनका, यहाँ पे लेके आए हैं, यहाँ पे ब्लड टेस्ट होएगा। अमित जी वहाँ लाइन में लगे हैं, वहाँ पे टेस्ट करवाने। टैक्सी आ गई है, ये अब जाएंगे। अरे यहाँ से कुछ ऐसा सा व्यू है, नॉट बैड। पहुँच गए हम लोग रूम में। अभी हमें 3 बजे निकलना है, क्योंकि जहाँ पे हमने बुक किया हुआ था, आज 2 लोकेशन विज़िट करेंगे, देखते हैं, क्योंकि आधा दिन तो हमारा चला गया, हमारी फ़्लाइट जो डिले हो गई, अदरवाइज़ दिन की 2 लोकेशन थी हमारी। तो अभी नहा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, और फिर निकलेंगे। निकलते टाइम दिखाती हूँ आपको। अमित जी नहा लिए, सिर्फ मेरा रहता है, बट खाना आ गया, मैं बाद में नहाऊंगी, पहले 2 दिन बाद आज खाना दिखा, हमने होटल में ही मंगवा लिया। बाहर जाते सर्च करते वो सारी चीज़ें होती तो उसमें टाइम लगता, तो यहीं पे मंगवा लिया। ये है पनीर की सब्जी, वही हमेशा सेम ही रहता हमारा, रोटी और ये रायता। पहले इसको खा लेते हैं फटाफट से, फिर नहा के रेडी होके मिलूंगी।